आप आदाब नहीं कहेंगे मियाँ? अब आदाब आदाब जी, हमारा नाम मुकुंदीलाल गुप्ता है, ये हमारी पत्नी इंदुमती, ये मौसी, मामा, सुत्ती, उदीना, ये एलिजा, गुड्डू चौरसिया, पीछे गंगाराम, राधे श्याम, इन सब की तरफ से आपको राम राम। अभी बताइए कि आप कौन है और यहाँ कछुआ चाचा के घर में क्या कर रहे हैं श्रीमान? कछुआ अच्छा नाम है कछुआ? नहीं नहीं जनाब अली, ये घर किसी कछुए अछुए का नहीं है, ये शहंशाह हिंद, अजीमो शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का भी नहीं है। ये घर मिर्जा तैयब अली अच्छे का है और मिर्जा तैयब अली अच्छे ने ये घर खरीदा है। क्यों बच्चियों? अरे तो उन मिर्जा तैयब अली अच्छे को हमारे सामने लाइए। हाँ। जनाबे अली, मिर्जा तैयब अली अच्छे आपके सामने खड़े हैं। बुर्के में जनाबे अली, आपके सामने इतनी बड़ी पर्सनालिटी खड़ी हुई है। अरे हम हैं मिर्जा अच्छे और ये हमारी बच्चियां हैं, एक दो तीन चार पाँच। भैया पांच पांच बेटियां। अल्लाह देता है बंदा लेता है, अल्लाह बड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है। देखिए मिर्जा साहब, ये घर हमारे कछुआ चाचा का है और वो यहाँ है नहीं, और जब वो यहाँ है नहीं तो ये घर आपको बेचा किसने और आपने खरीदा किससे? जीजाजी, हमको लगता हैंगे ये मिर्जा अच्छे नहीं, मिर्जा बुरे हैंगे और इन्होंने कछुआ चाचा के घर पे कब्जा कर लिया हैंगे। क्या अहमक हो तुम? अभी जबान पे गोंग लगाओ, गोंग। अरे कब्जी है जो हम कब्जा करेंगे? ये मकान हमने खरीदा है और जिससे खरीदा है उसका नाम फरीदा है। क्या बच्चियों? जी अबू। अरे ओ भाई साहब, तुमने पास का सबूत है कि तुमने ये घर पर कब्जा नहीं किया है हा? और फरीदा से खरीदा है हा? या अल्लाह तौबा। अरे अगर हम झूठ बोले तो ना नसीब हो हमें ताबूत। अरे मियां, हम अंटी में दबाए रहते हैं अपना सबूत। एक मिनट, ये तो बाकी सही कह रहे हैं, ये घर तो इन्होंने गुमशुदा गंज की किसी फरीदा से खरीदा है। मुकुंदी भैया, ये सब फर्जी है। जब घर कछुआ चाचा का है तो फरीदा कैसे बेच सकती है? हम इसे खाली करा के रहेंगे। कोई झगड़ा नहीं करेगा। देखिए मिर्जा साहब, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये घर खाली कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, खाली कर दे। ऐसे कैसे खाली कर दी? अरे भाई, ये घर इतनी मेहनत से खरीदा है, क्यों बच्चियों? जी अबू। और रात भर जग के हमारी बेटियों ने यहाँ पर घर में पेंटिंग की है, क्यों बच्चियों? जी अबू। अरे भाई, मेहनत की कमाई है या कोई हलकट की कमाई नहीं है ये?
और सबूत है हमारे पास, ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। क्यों बच्चियों, निकाल सकते हैं? जी अबू। नहीं ना अबू, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। अरे भाई, कानून भी कोई चीज होती है। जी अबू। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं निकलेंगे? कतई नहीं निकलेंगे। बेटियों, अंदर जाओ। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब अंदर जाओ। जाओ जल्दी जाओ। ये घर हमारा है, यहाँ से हम नहीं निकलेंगे। ये घर हमारा है और यही हमारा नारा है। अरे नारा तो पिताजी का होता था, हम आपका नारा खोल देंगे। आपको निकलना ही होगा। रुको रुको, और हमारी बात सुनो। देखो, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना सही नहीं है। इनके पास कागज है, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सच क्या है, वही ने आके निकालेंगे। चलो हमारे साथ आ जाओ। अरे इनका तो डरने की आवाज कोई समझदार आदमी बताओ। देखिए देखिए दरोगा जी, क्या है? चुप। अरे कोई बेवकूफ आदमी बताओ, बेवकूफ। मुकुंदी बाबू, आप बोलिए, आपसे कह रहे हैं। हाँ हाँ, आप बताइए। देखिए दरोगा जी, वो कहा है ना कि कछुआ प्रसाद के घर पर किसी मिर्जा तैया वाले अच्छे ने कब्जा कर लिया है। आप कछुआ प्रसाद हैं? जी नहीं, हम मुकुंदी लाल हैं। तो कछुआ प्रसाद कहाँ है? वो हमारे बीच में नहीं है। तो उनको बीच में लाइए। वो बीच में नहीं आ सकते हैंगे, वो ऊपर हैं। तो उन्हें नीचे लाइए। वो आ नहीं सकते, आप ऊपर जाइए। क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं हैंगे, ऐसा तो आप ही ने बोला हैंगे। और हम तो गंगा भी नहा लिए हैं, क्यों हैंगे? लेकिन दरोगा जी, हमें पूरा यकीन है कि कछुआ चचा जिंदा है और वो बहुत जल्दी वापिस आएंगे। अच्छा, सुना सुखीराम। इसीलिए दरोगा जी, हम उनकी जगह रिपोर्ट लिखवाने आ गए। कब्जा किसके घर पे हुआ है? जी कछुआ प्रसाद के। तो भैया, रिपोर्ट भी आपके कछुआ चाचा ही लिखवाएंगे। जाओ यहां से, उठा यहां से। नहीं देखिए, देखिए आप। रिपोर्ट लिखवाएंगे। अरे रिपोर्ट लिखवाने से घर पे कब्जा खाली होता तो किसी के घर पे कोई कब्जा ही नहीं करता। ये लें। दरोगा जी, कछुआ प्रसाद का किस्सा खत्म हो जाए तो अच्छा है। अरे चिंता मत करो, किस्सा तो तुमने उसका पहले ही खत्म कर दिया है। अब तो बस ये लोग उसका चौथा मनाएंगे। हे भगवान, कछुआ
कछुआ की आत्मा को शांति देना है। कछुआ को गुजरे हुए पूरे 3 दिन हुआ माँ से देखो रोना नहीं। कभी कभी कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं, पर मर के कोई भी नहीं आता हैंगे। कभी कभी कुछ लोग वापस नहीं भी आते। अरे मौसी चुप करो, कछुआ चाचा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। गुंडी बाबू, आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, ये क्या मतलब है? अगर ठीक है तो कहाँ है? हाँ मुकुंदी भैया, पुलिस ने भी तो हमें सारे सबूत दिखा दिए हैं कि कछुआ चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे सिर्फ कछुआ चाचा के कपड़े दिखाने से कुछ नहीं होता, उनकी मौत की खबर हमारे लिए बेबुनियाद है। ए जी। हो जी। कल कछुआ चाचा को लबलबाए हुए 4 दिन हो जाएंगे। का? इसका मतलब कल कछुआ चाचा का चौथा हैंगे? भाई ऐसा है, कल हम लोग कछुआ चाचा का चौथा मनाएंगे। वैसे चौथा तो पिताजी का मनाया जाता था। अरे मामा पगला गए हो का बकलोली कर रहे हो? देखो तुम लोग समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश का है नहीं कर रहे हो? हाँ कल कछुआ चाचा का चौथा है, और अगर हमने ना ही मनाया तो कछुआ चाचा की आत्मा को दुख होगा और ये हम ना ही होने देंगे। हाँ हाँ हाँ, हम सब कछुआ चाचा की आत्मा को दुखी नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हाँ। चौथा मनाने के लिए वो की जरूरत का इतिहास है कछुआ की, वो जो हम चढ़ाते हैं प्रसाद। प्रसाद नहीं, फूल चढ़ाते हैं हम, सूप मनाते हैं। फोटो? हाँ फोटो। हाँ। फोटो तो नहीं होगी मौसी, क्योंकि कछुआ चाचा ने कभी फोटो खिंचवाई नहीं हेंगी। अब क्या होगा? कछुआ का चौथा नहीं मना पाएंगे। दीदी दीदी तुम रो मत, चिंता की कोई बात नहीं है, कछुआ चाचा का कल चौथा मनाया जाएगा और अवश्य मनाया जाएगा, वो भी उनकी फोटो के साथ। गुड्डू का समय हुआ? घड़ी बंद है भाभी। कहाँ है कमौसी? हाँ कहाँ है मामा? कह रहे थे ना कछुआ चाचा की फोटो लेकर आएंगे। क्या बोले बेटा? हाँ सुबह सुबह तो निकल गया। हाँ घर से हलवा पूरी खिला के भेजे। हाँ उसको। हाँ। अरे वो देखो मामा आ गए। मामा कहाँ रह गए थे? हाँ अब तक तो कछुआ चाचा की आत्मा भी थक गई होगी तुम्हारा इंतजार करते करते। कछुआ का फोटो ढूंढने में देर हो गई। हाँ तो ठीक है, कहाँ है? क्या कहता है? फोटो आओ आओ दिखाते हैं। आओ हमारे साथ आओ। आ चलो आ चल बेटा, आ जा लेकर आए। हाँ हाँ बड़ी फोटो लाए हैं। रहा कछुआ। अरे मामा ये कहेंगे कछुआ भाई क्या करते, बहुत कोशिश की, इस गांव से उस गांव हर जगह ढूंढा लेकिन इससे ज्यादा अच्छा कछुआ नहीं मिला। बस भाई अब इसी को अपना कछुआ मान लो और इसका चौथा मनाओ। पगला गया है का? अपने कछुआ का चौथा मनाना है, ये कछुआ का नाम है। अरे तो ये भी तो कछुआ ही है। लेकिन हमें कछुआ चाचा तो नहीं है ना। अरे पर किसी का तो चाचा होगा।
बस इस कछुए को अपना चाचा मान लो, बस हो गए कछुआ चाचा। और चौथा मनाओ। भाई वाह, मामा ने पहली बार सही बात कही है। अगर आप लोगों को कछुआ चाचा का चौथा मनाने का इतना ही शौक है ना, तो इसी कछुए का मना लो। जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैंगे। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ये हमरे कछुआ चाचा, ना मानो तो किसी कछुए का चाचा। हाँ चुप करो पंडित जी, आका टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हाँ शुरू करो जो भी है। हमने बहुत से चौथे किए हैं, पर ऐसे कछुए का चौथा तो कभी नहीं किया। कौन सा मंत्र पढ़े आप? अरे पंडित जी आप तो छोड़ो भाई, देखो ऐसा है, कछुए की आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम जैसा बोलेंगे आप लोग हमारे पीछे पीछे वही बात दोहराएंगे। चलो भाई बैठो। हमारे प्यारे कछुआ चाचा, हमारे प्यारे कछुआ चाचा, तुम्हारे जाने के बाद जैसे यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बरसात में कछुआ तुम आ जाते थे और हर जगह मेंढक की तरह पाए जाते थे, पाए जाते थे। फिर बरसात आ रही है और तुम्हारी याद आ रही है, याद आ रही है। मुकुंदी बाबू कहते हैं कि तुम अभी आओगे, अभी आओगे। आते हैं कुछ लोग, अभी भी आते हैं, लेकिन हमें पता है तुम नहीं आओगे, नहीं आओगे, नहीं आओगे। कुछ लोग नहीं भी आते हैं, जहाँ रहो आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे गाजियाबाद रहो, गाजियाबाद रहो, गाजियाबाद रहो। पंडित जी हो गया, हो गया पंडित जी। अब आप लोग खड़े हो जाइए और 2 मिनट का मौन रखिए आंखें बंद करके, काहे कि चौथे के समय प्राणी की आत्मा यहीं कहीं होगी। उसे महसूस करें। आंखें बंद करो, आत्मा यहीं कहीं होगी। दो मिनट का मौन हो गया, अब प्राणी की आत्मा मुक्त हो गई। आत्मा मुक्त तो पिताजी की होती थी, क्यों दीदी? दीदी तुम्हारी शक्ल कछुआ जैसी क्यों लग रही है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.